प्रोसेस इंडस्ट्री में खासतौर से कोई भी हैवी मशीनरी जहाँ पे कोई भी मूवेबल पार्ट वाली मशीन यूज होती है, खासतौर से कैश पेकर मशीन हो या फिर कोई भी रोबोटिक्स आर्म वाली मशीन हो या भी डिफरेंट टाइप की कोई भी मशीन हो जिसमें कि कोई भी मूवेबल पार्ट यूज हो रहा हो, उसके लिए मशीन गार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मशीन गार्ड एक्टिव नहीं होगा तो कोई भी ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उस एरिया में एंटर कर जाएगा और कोई भी डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मशीन गार्ड की कंट्रोल वायरिंग, वो भी हार्ड वायर रिले लॉजिक का यूज करके किस प्रकार की जाती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कई बार हम मशीनों में कंट्रोल वायरिंग को बाईपास कर देते हैं, कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताएंगे और साथ में आपको स्लाइड के माध्यम से भी समझाएंगे कि इसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, मैं हूं सुधीर सैनी, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। और मुझसे फॉलो करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने मशीन गार्ड सिस्टम या वेरियर सिस्टम की वायरिंग की गई है, ये हार्डवेयर लॉजिक का इसमें यूज़ किया गया है और इसमें रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप के सेंसर्स का यूज़ किया गया है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप के सेंसर का मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप के सेंसर किस प्रकार काम करते हैं, ये आई बटन में क्लिक करके भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मैंने चारों तरफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट है और इनके एरिए में अगर इनके चारों तरफ बीच में जो ग्रीन एलईडी जल रही है वो इमेजिन कर सकते हैं वो एक मशीन है और उसकी कंट्रोल ऑन है, ग्रीन कलर यानी कंट्रोल ऑन है। और उस कंडीशन में अगर हम बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मैंने ये हाथ मूविंग ऑब्जेक्ट के रूप में डाल बीच में किया है, तो ये कंट्रोल ऑफ हो जाता है यानी मशीन ऑफ हो जाती है। और यहाँ जो पुश बटन यूज़ किया गया, ये सेंसर्स हैं, ये रिफ्लेक्टर है जो दिया हुआ है, ये सेंसर्स है और ये सेंसर्स आपस में रिफ्लेक्टर के द्वारा आपस में सेंस करते हैं और इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये आपस में डिसकनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें अगर एक भी सेंसर अगर बंद होता है तो दूसरा भी बंद हो जाएगा और सीधा इससे कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। यहाँ जैसे दिया हुआ है, ये सेंसर दिया हुआ है, ये सामने रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके एक्टिव हो जाता है क्योंकि ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप का सेंसर है। अब यहाँ पे मैं इसके कंट्रोल को यहाँ से रीसेट बटन को ऑन करता हूँ तो ये मेरा कंट्रोल दोबारा ऑन हो जाता है, लेकिन इसके बीच में अगर मैं दोबारा इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट लाता हूँ, अपना हाथ डालता हूँ दोनों सेंसर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में, तो ये दोबारा बंद हो जाएगा। इस प्रकार इसकी कंट्रोल वायरिंग, इसको मैंने आपको प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन करके बताया है कि किस प्रकार काम करता है। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग को भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार कंट्रोल वायरिंग की गई है। अब हम स्लाइड के माध्यम से भी आपको बता देते हैं कि मशीन का ये जो सेफ्टी बैरियर है ये किस प्रकार से काम करता है, यानी हम इसके सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी बैरियर या गार्ड को हम किस प्रकार से इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे, हार्ड वायर लॉजिक का यूज़ करके किस प्रकार से कंट्रोल वायरिंग करेंगे। इसके लिए हम रिफ्लेक्टर, दो रेट्रो रिफ्लेक्टर सेंसर यहाँ पे यूज़ करें, इसकी जगह पे हम चार सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया था। इस रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर में सप्लाई आएगी और अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एक्टिव हो जाएगा और ये एक्टिव होगा तो इसमें बीच में कुछ एक आउटपुट जनरेट होगा, इसमें प्लस और माइनस सप्लाई देंगे और आउटपुट जो जनरेट होगा ब्लैक वायर से, उसको उसके आउटपुट को हम दूसरे रिफ्लेक्टिव सेंसर की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, रेड वायर से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा, जो ब्लैक कलर का जो यहाँ से वायर दिख रहा है, इसका जो आउटपुट आएगा उसको हम डायरेक्ट ही एक रिस्टार्ट स्टार्ट बटन में दे देंगे और स्टार्ट बटन का जो आउटपुट होगा जब हम इसको पुश करेंगे सेम कंडीशन में ये एलईडी भी ग्लो करने लगेगी और इसके द्वारा ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही ये रिले की कॉइल एनर्जाइज होगी तो इसमें जो नॉर्मली यहाँ पे कॉमन में हमने क्या किया था, यहाँ से जो सप्लाई गई थी उसको हमने इसके कॉमन में दिया था और दूसरा
स्टार्ट बटन में दिया था। तो इसमें कॉमन में सप्लाई जाएगी और ये कॉमन जैसे ही ये रिलेक्टिव होगा तो ये कॉमन से जो एनओ है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, एनओ से एनसी में कन्वर्ट होगा और ये लैचिंग का यूज होके ये 13 नंबर में दोबारा जो कॉइल है कॉइल में सप्लाई 13 नंबर में जाने लगेगी। इससे क्या होगा कि ये जो है होल्डिंग कमांड जनरेट हो जाएगा जिससे ये होल्ड हो जाएगा या लैच हो जाएगा और लैच होने के बाद यहाँ पे ये एलईडी ग्लो करने लगेगी और ये पुश बटन मैंने जो दबाया था ये नॉर्मली कंडीशन में ओपन कंडीशन में हो जाएगा। और अगर सेम कंडीशन में अगर ये पूरा सिस्टम एक्टिव है और रेडी है और मेरी मशीन ऑन है, अगर इसी बीच में इसके बीच में अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी मूवेबल पार्ट यहाँ पे इंटर करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर इंटर करेगा, यहाँ पे जो आउटपुट है ये आउटपुट यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही ये डिसकनेक्ट होगा तो ये यहाँ से जो सप्लाई जा रही होगी ये सप्लाई कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगी और जैसे ही यहाँ पे जो सप्लाई है ये सप्लाई कट हो जाएगी और ये जैसे ही सप्लाई कट होगी तो यहाँ पे ये जो होल्डिंग था इस जगह पे जो होल्डिंग था यहाँ पे होल्डिंग नहीं रहेगा और ये मेरा जो ये एलईडी है ये एलईडी भी ऑफ हो जाएगी। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम काम करता है। और अगर इसके अलावा अगर दोबारा हमारा सिस्टम रेडी अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट इंटर नहीं कर रहा है तो ये हमारे रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर लाइट यहाँ पे ये सेंसर रेडी रहेंगे और हम यहाँ पे रेड यहाँ पे जो ग्रीन पुश बटन है उसको रिस्टार्ट पुश बटन है उसको दबाएंगे और ये सेम कंडीशन में पूरा सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो ये हमने आज अपने इस मशीन को स्लाइड के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि मशीन गार्ड सिस्टम या मशीन वेरियर्स किस प्रकार इसमें काम करते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।